ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम बाबा के बच्चे मास्टर क्रिएटर हैं, किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को क्रिएट करने की क्षमता हमारे पास है। हम अपनी इस क्षमता का प्रयोग करें। हमें एक बहुत बड़ा महान कर्तव्य मिला है, सृष्टि को नूतन बनाने का, भगवान के साथ ये महान कार्य करने का। हम सभी को अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने सेवा स्थानों पर वाइब्रेशंस को रूहानियत से भरपूर करना है। जहाँ रूहानियत के भरे हुए वाइब्रेशंस होते हैं, वहाँ सभी कार्य बिल्कुल सहज हो जाता है। देवकुल की आत्माओं को वहाँ आकर्षण होने लगता है और सेवाओं में वृद्धि होने लगती है। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस यदि रूहानियत से भरपूर हैं, तो वहाँ की सेवाएं दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ जाती हैं। इसलिए सेवाओं पर पैसा खर्च करना, बहुत भाग दौड़ करना, इससे भी कहीं सुलभ तरीका है कि हम अपने स्थानों पर रूहानियत का माहौल बनाएं। कैसे बनता है ये माहौल? व्यक्तिगत रूप से भी इसको किया जाए। हम जितना जितना योगयुक्त रहते हैं और जितना उस स्थान पर व्यर्थ बातों से मुक्त अंतर्मुखी रहते हैं, रूहानियत का वातावरण बनता जाता है। हम अपने साथियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और स्वयं भी शरीरी होने का अभ्यास करते हैं, तो वातावरण में रूहानियत फैलती जाती है। जिस स्थान पर बहुत अच्छा योग अभ्यास होता हो, वहाँ के वाइब्रेशंस रूहानियत से भरपूर सबको आकर्षित करने वाले होते हैं। हमें अपने स्थानों को लाइट हाउस, नाइट हाउस एंड पीस हाउस बना देना है। हमें अपने स्थानों को ऐसा बना देना है जहाँ आते ही लोगों के विघ्न नष्ट हो जाएं। हमें इन स्थानों को ऐसा बना देना है जहाँ आते ही मनुष्य के चित्त के अज्ञान, अंधकार, विकारों की छाया समाप्त हो जाए। ये हमारे ऊपर है, तो आइए हम स्वयं को इस कार्य का जिम्मेदार समझते हुए स्वयं में रूहानियत भरें, अपने घर में रूहानियत का माहौल बनाएं और अपने सेवा स्थान को भी रूहानियत की तरंगों से ओतप्रोत करें। हम नियम ले लें कि अब व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। हम अपने श्रेष्ठ स्थानों पर व्यर्थ की लेन देन नहीं करेंगे, तेरे मेरे में नहीं रहेंगे, छोटे विचारों में या निगेटिव विचारों में नहीं रहेंगे, क्योंकि यही चीजें हमारे वातावरण को भारी करती हैं, सांसारिक बना देती हैं। हम जिनकी ओर सारा संसार प्यासी नजरों से देखेगा, अब भी देख रहा है, हम सभी को अपने महान कर्तव्यों को पूर्ण करना है। हम याद रखेंगे बाबा के वे महावाक्य, बच्चे तुम्हारी सकास की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। जब दुखी होकर भक्त आत्माएं बाप को याद करती हैं, तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं, इन्हें सकास दो। कितने महान हैं हम सभी जिनके द्वारा भगवान अपना महान कार्य कराना चाहता है, तो हम अपने को सक्षम बनाएं। पर विशेष रूप से जहाँ त्रासदी आई है, जहाँ अनेक आत्माएं दुखों से भरपूर हो गई हैं, जहाँ उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आता है, हम सकास दें, फरिश्ता बनकर उनके पास पहुँचे, उनके ऊपर आकाश में विचरण करें और उन्हें शांति की और शक्तियों की किरणें दें, ताकि उन्हें कुछ सहारे की अनुभूति हो सके, क्योंकि भगवान को पुकार पुकार के भी वो थकते जाते हैं। तो आज सारा दिन हर घंटे
हम उन पीड़ित व्यक्तियों को सकाश देंगे। कभी यहीं से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर दुख हरता हूँ, और योग लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मेरे मस्तक से किरणें निकलकर उन सभी पर पड़ रही हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता वहीं आकाश में ऊपर हूँ, बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे सब पर पड़ रही हैं। ओम।